आरएसएस को देशद्रोही संगठन राहुल गांधी तो बता रहे हैं, लेकिन अब इस चीज को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि आरएसएस के खिलाफ जो ऐतिहासिक घोटाला बार बार कहा जाता है कि आजादी में आरएसएस का आंदोलन, बताइए भाई, ये तमाम ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जंगल सत्याग्रह करने पर डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने जेल में रहना पड़ा था, 9 महीने, ध्यान से सुनिएगा, हेडगेवार कारावास हुआ था उनको। 1942 में आरएसएस कार्यकर्ता बालाजी रायपुरकर तिरंगा लहराते वक्त शहीद हो गए, गोलियों से भून दिया गया था उनको, आरएसएस के कार्यकर्ता। 1942 में पटना में झंडा फहराने पर फायरिंग, 7 शहीदों में से 2 संघ के कार्यकर्ता। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये इतिहास क्या होता है, इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कोई बताता ही नहीं है सब। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर दादा नाइक को मृत्यु दंड, दादा नाइक आरएसएस। 1943 में आरएसएस से जुड़े क्रांतिकारी हेमू कलानी को सजाए मौत। 1947 में मैंने आपको बताया पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा आर्मी के साथ खड़ा हुआ संघ, 1947 में तिरंगे की आन बान शान की रक्षा में सैकड़ों संघ कार्यकर्ता शहीद हुए, ये कोई नहीं बताएगा। मुझते की आजादी में संघ, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक घोटाला है, समझिएगा इसको। 1954 आरएसएस के नेतृत्व में दादर नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति, गोवा वाला जो मैंने जिक्र किया वो भी आप गूगल करके पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 साल बाद जो है मुक्ति मिली थी पुर्तगाली शासन से, उसमें संघ की भूमिका।